नमस्कार, मैं निवेदिता विंध्य सिटी 24 में आपका स्वागत करती हूं। चलते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। मैहर में बड़ा हादसा टला, प्रसाद दुकान में अचानक भभकी आग, बिजली कंपनी ने बिजली बंद की। नए साल में माता के दर्शन करने पहुंच रहे श्रद्धालुओं की भीड़ के बीच रविवार को मैहर में एक दुकान में आग लगने से हड़कंप मच गया। हालांकि आग पर जल्दी काबू पा लिया गया, इस कारण बड़ा हादसा टल गया। मैहर में अल सुबह प्रसाद की दुकान में आग भड़क उठी, देखते ही देखते चिंगारी शोलों में तब्दील हो गई। आसपास के दुकानदार आग बुझाने के प्रयास में जुट गए, फायर ब्रिगेड को भी सूचना दी गई। बिजली विभाग ने फौरन इलाके की बत्ती गुल कर दी। लोगों की तत्परता की वजह से आग अन्य दुकानों को अपनी चपेट में नहीं ले पाई, मगर जब तक आग काबू में आ पाई तब तक काफी देर हो चुकी थी। दुकान का एक भी सामान सलामत नहीं रहा। गौरतलब है कि नए वर्ष की शुरुआत से ही मैहर में मां शारदा के दर्शन के लिए लाखों श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि एक बड़ा हादसा टल गया है। और नई खबर पाने के लिए बने रहें विंध्या सिटी 24 के साथ। चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें।